और बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के एंटी रेप बिल को लेकर ये बड़ी खबर है। टीवी 9 के पास ममता बनर्जी के बिल से जुड़ी बड़ी जानकारी है और बिल का नाम आपको बता दें अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल रखा गया है। अपराजिता का मतलब जिसे हराया न जा सके, और आपको बता दें चार्जशीट के 36 दिनों में मौत का प्रावधान भी इस बिल में है। तो बड़ी बात है इस बिल को लेकर, जो नाम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टीवी 9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, चार्जशीट के 36 दिनों में मौत का प्रावधान है। इसके अलावा आपको बता दें जो बिल का नाम है वो है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड बिल, और अपराजिता का मतलब होता है जिसे हराया न जा सके। टीवी 9 के पास बिल से जुड़ी बड़ी जानकारियां मौजूद हैं। और आइए अब आपको टीवी 9 पर एक एक डिटेल जानकारियां देते हैं कि आखिर किस तरीके से ममता के एंटी रेप बिल अपराजिता को लेकर टीवी 9 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, जहां सबसे पहले जानिए बिल के नाम के बारे में। अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को लेकर जो फैसले हो रहे हैं उसके मुताबिक रेप और गैंग रेप में अधिकतम सजा के तहत मौत को लेकर खबर है। हालांकि कितने दिनों में, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों में फैसले को देखते हुए यह बड़ी बात सामने आ रही है। हालांकि एसिड अटैक में सजा को लेकर आजीवन कारावास, और इसमें यह भी कि हर जिले में स्पेशल फोर्स अपराजिता टास्क फोर्स के तहत फैसले लेने को लेकर खबर है। क्या करेगी ये टास्क फोर्स? रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेगी, एक्शन करेगी। यहां तक कि पीड़ित की पहचान अगर उजागर की गई तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो यह है ममता का एंटी रेप बिल अपराजिता, जिसके बारे में टीवी 9 आपको दे रहा है यह जानकारी, जो अब तक सामने आई है कि आखिर किस तरीके का बड़ा फैसला इस बिल को लेकर लिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त रविशंकर दत्ता मौजूद है, सीधे जुड़ रहे हैं कोलकाता से, उनके पास चलते हैं। रवि, ममता सरकार का एंटी रेप बिल है जिसे अपराजिता नाम दिया गया है, और इसमें इस बिल में कड़े प्रावधान है, सजा के कड़े प्रावधान है, जो कि सबसे बड़ी बात है। देखिए, ये बिल का नाम दिया गया है द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। आर्टिकल्स में जो घटना घटी है उसके बाद ये बिल ममता बनर्जी लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर पूरा देश में काफी चर्चा हुआ, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा पर्सनल बिल कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर नहीं ला सकता, लेकिन इसको लेकर डिमांड भी है। तो ये बिल का जो डिटेल्स है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कोई भी धर्षण हो, या तो गैंग रेप हो, या तो फिर रेप और मर्डर हो, उसमें अल्टीमेट पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट होंगे। एसिड अटैक्स के जो केसेस होते हैं उसमें अगर जो दोषी है वो पकड़ा गया तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा। इसमें अगर जो पीड़िता है उनका आइडेंटिटी अगर डिस्क्लोज किया गया तो जो भी डिस्क्लोज करेंगे या तो जो लोग डिस्क्लोज करेंगे हर किसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पे अपराजिता टास्क फोर्स के नाम पे एक फोर्स तैयार किया जा रहा है जो कि ऐसे केसेस को हैंडल करेंगे, और चार्जशीट दाखिल होने के 36 दिन के अंदर अगर ये रेप एंड मर्डर है या तो गैंग रेप है या तो रेप है उसमें कैपिटल पनिशमेंट डेट देने की ऐसा प्रावधान रख रहे हैं। तो ये जो बिल है अभी तक तो ये ड्राफ्ट मिले हैं, इनमें और काफी सारा पॉइंट्स है। ममता बनर्जी खुद वो पॉइंट सामने आके उजागर करेंगे आज जब असेंबली का सेशन होगा। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इसको कैसे सपोर्ट करती है। उसी लिहाज से रवि एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ममता सरकार के पास विकल्प के तौर पर मौजूदा कानून की परिभाषा को बदलने को लेकर भी क्या सवाल उठाए गए यहाँ विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी सवाल यही है कि बीजेपी इसका विरोध करेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी इसका विरोध करते हैं तो ममता बनर्जी को पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि हम रेपिस को सजा देने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी के राज्य में जैसा घटना घटी है वैसे ही बीजेपी यहाँ पे घटना को दबाने की कोशिश कर रही है, या तो जो रेपिस्ट है उनको उनका सजा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के कोर्ट में बॉल है, वो क्या कहेंगे, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो खबर आ रहा है बिल को लेके कुछ यहाँ पे तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी ये बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कैपिटल पनिशमेंट को लेके स्टेट वाइज जो ऐसे प्रावधान है वो देश का कानून नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हर राज्य अपना अपना कैपिटल पनिशमेंट
यहाँ पे तय कर लेगा और वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो ये अगर ऐसा हुआ तो ये बेसिकली केंद्र सरकार के ऊपर एक एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिसमें राज्य सरकार ममता बनर्जी की सरकार ये कह रही है कि आपके पर गैंगरेप या तो रेप के ऊपर जो बिल है या तो कार्रवाई जो है 7 साल 8 साल लग जाते हैं। जैसे कि लास्ट बार पश्चिम बंगाल में जो रेप एंड मर्डर की केस में कैपिटल पनिशमेंट हुआ था धनंजय चट्टोपाध्याय का, उसका लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट होने के बाद उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया गया था। मतलब दो कैपिटल पनिशमेंट उसको मिला था, एक तो फांसी की सजा और 14 साल कारागार। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए ये कानून को बदल करने की यहाँ पे जरूरत है। और फास्ट ट्रैक मूवमेंट में करते हुए ये पूरा चीज को 1 महीना 2 महीना चार्जशीट देने के बाद लगातार प्रोविजन जो दिया जाता है हर किसी को ह्यूमन राइट के तहत के आप अपना केस लड़ सकते हैं, इसका एडवांटेज भी है, इसका डिसएडवांटेज भी है। लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद सदन में पेश होने पर इसको लेकर नजर बनाए रखें कि क्या होता है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए आपका।